हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबीज में फ्लैट हेड की प्रॉब्लम के बारे में। कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरह से इसको अवॉइड किया जाता है, अगर हो जाए तो कितने टाइम में हील होता है एंड इसका ट्रीटमेंट क्या है। इफ़ यू आर एन इंग्लिश व्यूअर देन द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस टॉपिक विल बी पोस्टेड ऑन आर चैनल टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन हिट करना मत भूलना एंड मॉमकॉम इंडिया को आप इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब हम इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट, फन पोस्ट वगैरह भी डालते रहते हैं, जिसको आप अभी मिस आउट कर रहे हैं अगर आप हमें वहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्लैट हेड होता क्या है। आप न्यूबॉर्न बेबीज में ऑब्जर्व करोगे कि कई बार उनके सर के एक किसी पार्ट में एक फ्लैट सा स्पॉट आ जाता है या एक सॉफ्ट स्पॉट आ जाता है, या जिसे बोलते हैं कि सर थोड़ा चपटा लगने लगता है। और ये चीज़ आप जनरली इनिशियल डेज में या इनिशियल वीक्स ऑफ द न्यूबॉर्न बेबीज लाइफ में देखोगे। ऐसा मोस्टली केसेस में इसलिए होता है क्योंकि बच्चे की जो पोजीशन है वो नॉर्मली सेम रहती है। बच्चे शुरू के दिनों में, महीनों में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं लेटे हुए, सोते हुए, जिसकी वजह से वो एक ही पोजिशन में रह जाते हैं। और उनका सर का जो स्कल होता है वो इतना सॉफ्ट होता है कि अगर एक जगह पर कॉन्स्टेंटली प्रेशर पड़ता रहे तो उस जगह पर एक फ्लैट स्पॉट या फ्लैट हेड या सॉफ्ट स्पॉट जिसे बोला जाता है वो डेवलप हो जाता है। ये सबसे कॉमन रीजन है जिसकी वजह से फ्लैट हेड डेवलप होता है। इसके अलावा भी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि बच्चा अगर प्रीमेच्योर है या आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई जिसमें वैक्यूम यूज़ करना पड़ा बच्चे को बाहर निकालने के लिए, तो उसके सिर पे प्रेशर डाला जाता है। या फिर कुछ केसेस में अगर जैसे मदर ट्विन्स कैरी कर रही है या ट्रिपलेट्स कैरी कर रही है तो यूट्रस में बच्चे को बिल्कुल मूव होने की जगह नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उसके सर के पार्ट पर प्रेशर पड़ता रहता है और उसकी वजह से ये डेवलप हो जाता है। ये सारे नॉर्मली रीजंस होते हैं, बट सबसे कॉमन रीज़न जैसे मैंने बताया वो होता है इनिशियल पीरियड में बच्चे की एक पर्टिकुलर पोजीशन में रहना, जिसकी वजह से उसे ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो ये तो हो गया कि फ्लैट हेड होता क्या है और क्यों होता है। अब समझते हैं कि फ्लैट हेड को अवॉइड कैसे किया जाता है। बहुत ही आसान है। अगर बच्चे के पैदा होने के इमिजिएटली बाद आप कुछ बातों का ध्यान रखो, स्पेशली इन द फर्स्ट 6 मंथ्स, तो आप फ्लैट हेड की प्रॉब्लम को टोटली अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहला टिप है कि शुरुआत से ही आप बच्चे के लिए मस्टर्ड सीड्स का पिलो यूज़ करें। मुझे क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप कबीर के लिए शुरू में क्या पिलो यूज़ करते थे या बच्चे को कोई पिलो देना चाहिए भी या नहीं। तो हम ये बहुत सिंपल सा घर में बना हुआ पिलो यूज़ करते थे, हमने काफ़ी लंबे टाइम तक किया था और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। बच्चे को भी ये बहुत कंफर्टेबल होता है। मस्टर्ड सीड्स राय के दाने होते हैं। जब आप राय के दानों को एक कॉटन का पिलो, कॉटन का कपड़ा लेके आप पिलो सिलवा सकते हो और उसमें पूरा राय भर सकते हो और बच्चे के हेड के नीचे रख सकते हो। बहुत ईजी होता है कैरी करना और बच्चे के लिए भी बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि बच्चा जब जब अपना हेड थोड़ा बहुत भी मूव करता है, जो राय के दाने हैं वो अपने आप फ्लेक्सिबल होके बच्चे के हेड के शेप के अकॉर्डिंगली मूव हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे के सिर पे कहीं पे भी प्रेशर पड़ता है। तो ये बहुत सक्सेसफुल रहता है शुरू के महीनों में। अगर आप चाहते हो कि हम एक अलग वीडियो करके आपको दिखाएं कि आप ये पिलो घर पे कैसे बना सकते हो, तो डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताना। वी वुड लव टू डू दैट फॉर यू। एंड हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग मांगते हैं, कि हम कोशिश करेंगे हम ये पिलो आपको सप्लाई भी कर सकें, आपको भेज भी सकें। तो अगर ऐसा कुछ हो पाया तो वो भी हम आपको जल्दी ज़रूर बताएंगे। दूसरा टिप है कि बच्चे को टमी टाइम ज़रूर दिया कीजिए। दिन में बच्चे को जितनी बार हो सके आप टमी टाइम दें। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़े आप टमी टाइम को बढ़ा सकते हैं। मैंने इस पर एक अलग वीडियो किया है कि टमी टाइम कैसे देते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, बट स्पेशली फ्लैट हेड को अवॉइड करने में टमी टाइम बहुत हेल्पफुल होता है। इनफैक्ट डॉक्टर्स आपको बाद में, अगर बच्चे को फ्लैट हेड हो भी जाता है, तो वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स भी जो आपको बोला जाता है वो है कि बच्चे को आप टमी टाइम दें। बच्चे को टमी टाइम आप काफ़ी अर्ली एज से देना स्टार्ट कर सकते हैं। आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए और आपको उससे काफ़ी डिटेल्स मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम फ्लैट हेड, टमी टाइम बच्चे की बैक मसल स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है, पेट की कोई प्रॉब्लम्स अवॉइड करने में हेल्प करता है, ओवरऑल नेक कंट्रोल उसे देने में हेल्प करता है। बच्चा अपनी गर्दन हिलाना सीखता है, जो फ्लैट हेड को अवॉइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चा लेटा भी रहेगा और वो अपने आप अपनी गर्दन को हिलाएगा तो उसके सर के किसी एक पार्ट पर प्रेशर पड़ेगा ही नहीं।
तीसरा टिप है कि बच्चे को दिन में थोड़ी देर के लिए अपनी गोद में ज़रूर लें, उसे अपराइट होल्ड करें, यानी जैसे आप अपने कंधे पे लेके बच्चे को होल्ड करते हैं वैसे बच्चे को होल्ड करें थोड़ी टाइम के लिए दिन में। वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, बच्चों को उससे काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। एक तो जो बच्चा दूध वगैरह पीता है वो आराम से उसके पेट पर सेटल हो जाता है, बच्चा नेक कंट्रोल करना सीखता है, वो इधर उधर देखना सीखता है, तो वो भी उसके लिए बहुत मेजर एक्टिविटी होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि वो अब लेटा हुआ नहीं है तो उसके सर पर भी प्रेशर नहीं पड़ता, जिससे कि भी आप फ्लैट हेड को अवॉइड कर सकते हैं। चौथा टिप ये है कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम सोने में स्पेंड करता है, जैसे कबीर के साथ भी होता था कि इनिशियल डेज़ में वो 18-18 घंटे सोता ही रहता था, तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान दें कि क्या आपका बच्चा एक पर्टिकुलर साइड पे ही सो रहा है या एक पर्टिकुलर पोजीशन में ही सो रहा है। अगर बेबी के साथ ऐसा हो रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कॉन्स्टेंटली हर आधे आधे घंटे के बाद आप उसके जो हेड का शेप है उसको चेंज करते रहें। मान लीजिए वो राइट की तरफ सो रहा है तो आप धीरे से उसकी गर्दन को मूव करके लेफ्ट की तरफ कर दीजिए। ऐसा करने से भी आप उसके सर के किसी एक एरिया पे प्रेशर पड़ना जो है उसको अवॉइड या फिर कम कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसको आपने एज अ पेरेंट मॉनिटर करना है और उसको बार बार करते रहना है। अगला टिप है कि बच्चे को थोड़ी देर दिन में पेट के बल ज़रूर सोने दें। ये करने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है बट पेरेंट्स जनरली घबराते हैं। और पेरेंट्स जनरली इसलिए घबराते हैं क्योंकि इनिशियल दिनों में जब बच्चा अपनी गर्दन नहीं घुमा सकता अपने आप, तो बच्चे क्या करते हैं, जब वो पेट के बल सोते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे सो जाते हैं। तो इस तरह से सोने से जब अपना मुंह बेड के अंदर डाल लेते हैं तो उनके नाक बंद होने का चांस होता है। एंड बच्चे मैक्सिमम सांस इनिशियल दिनों में नाक से ही ले रहे होते हैं, तो अगर उनका नाक बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली बहुत सीरियस रिस्क है। इसीलिए दिन के टाइम में जब आप बच्चे के पास ही बैठे हैं, जब बच्चा अपनी छोटी वाली नैप ले रहा है, तो आप कोशिश करें कि आप उसे पेट के बल सुलाएं। इससे उसको पेट में भी काफ़ी आराम मिलेगा, उसको बैक पे काफ़ी आराम मिलेगा, पूरा दिन वो बैक पे लेटा रहता है तो उस वजह से भी उसको काफ़ी रिलैक्स फील होगा और उसका फ्लैट हेड का प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं होगा। बट अगेन आपको ध्यान ये रखना है कि ये एक्टिविटी तब ना करें जब आप खुद सो गए हैं, बिकॉज आपको कॉन्स्टेंटली बच्चे को सुपरवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बच्चे को पेट पे सुला रहे हैं। इसके अलावा बच्चे को पेट पे सुलाने में एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कबीर को आज तक भी पेट पे ही सोना पसंद है। जब तक आप ये वाली चीज़ का ध्यान रख सके कि बच्चे की ब्रीदिंग पे कोई ट्रबल नहीं आ रहा है, तब तक पेट में सोना हानिकारक नहीं है, उसके बेनिफिट्स आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। अगला टिप है कि बच्चे को फीड कराते हुए आप साइड्स 15-15 मिनट बाद ज़रूर चेंज करें। अब होता क्या है कि हम बच्चे को इस तरह से पकड़ते हैं जब हम बच्चे को फीड करा रहे होते हैं, तो जो ये हमारा हाथ है उसका प्रेशर जो है बच्चे के सिर पे पड़ता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो बहुत लंबी फीड लेते हैं, आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा भी वो फीड लेते हैं, तो अगर आप एक ही साइड से फीड कराते रहेंगे तो आपका जो हाथ है उसका कॉन्स्टेंट प्रेशर बच्चे के सॉफ्ट सिर के ऊपर पड़ेगा, जिसकी वजह से फ्लैट हेड डेवलप हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स जनरली भी रेकमेंड करते हैं कि हेल्दी ब्रेस्ट मिल्क भी आप बच्चे को इस तरह से दे पाएंगे अगर आप 15 मिनट एक ब्रेस्ट और 15 मिनट दूसरे ब्रेस्ट से बच्चे को फीड कराएं। उसके बाद अगर बच्चे को और भूख लगी है तो वापस आप उसे पहली ब्रेस्ट पे ले आइए। तो ऐसे क्या होगा कि चेंज होने की वजह से जो बच्चे का एक पार्ट है जहाँ प्रेशर पड़ रहा है वहाँ पर उसको प्रेशर नहीं पड़ेगा। और लास्ट मैं आपको एक जनरल टिप दूंगी, दिस इज़ नथिंग टू डू विथ फ्लैट हेड, बट जनरली बच्चों के सिर को रिलैक्स करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि डेली बेस पे आप उनको मसाज ज़रूर दें। वैसे मसाज आपको पूरी बॉडी की ही देनी चाहिए जिससे बच्चे रिलैक्स होते हैं, बट हेड मसाज आपको डेफिनेटली करना चाहिए। बच्चे का जितनी भी एक्टिविटी होती है, सारा जो ब्रेन इतना पूरा दिन उनका एक्टिव रहता है, एंगेज्ड रहता है, तो आप जब ये करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी इंप्रूव होता है और बच्चा काफ़ी रिलैक्स फील करता है। काफ़ी अर्ली स्टेज पे उसको टीदिंग शुरू हो जाती है, तो आप उसके ये कान के पीछे के एरियाज पे भी ज़रूर अच्छी तरह से मसाज करें। इससे ओवरऑल उसको एक काफ़ी अच्छी रिलैक्सेशन मिलेगी और उसके स्कैल्प को, बालों को एक अच्छी नरिशमेंट भी मिलेगी। तो ये एक जनरल टिप है जो आप फॉलो कर सकते हैं। आप ये करने के बाद बच्चे को आधे घंटे बाद नहला दीजिए, बच्चा काफ़ी रिलैक्स फील करेगा। तो ये जो सारे मैंने आपको टिप्स बताए, ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे फ्लैट हेड अवॉइड करने में। अगर बाय चांस बच्चे को फ्लैट हेड हो भी जाता है तो भी डॉक्टर्स आपको जनरली यही ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे कि आप ये करते रहिए एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है बच्चे का फ्लैट हेड अपने आप चला जाएगा। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि अगर फ्लैट हेड डेवलप हो भी जाता है तो अराउंड 6 months to 1 year, 1 month and a half year के बीच में वो फ्लैट स्पॉट जो है बच्चे के सिर से अपने आप चला जाता है। जब बच्चा ज़्यादा बैठना शुरू करता है, क्रॉल करना शुरू करता है, उठना ज़्यादा शुरू करता है, तो ये सारे जो स्पॉट वगैरह हैं ये अपने आप चले जाते हैं
आपको ये करना है कि इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहना है। नॉर्मली जब आप डॉक्टर्स को विजिट करते हो अपने रेगुलर वैक्सीनेशन स्केड्यूल में, तो डॉक्टर्स बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस भी ज़रूर मेजर करके लिखते हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो भी बढ़ रहा है या नहीं अकॉर्डिंग टू बेबीज एज और जो ग्रोथ चार्ट होता है। तो टिपिकली डॉक्टर ये चेक करते हैं, बट अगर आपको लग रहा है कि आपके डॉक्टर ये नहीं कर रहे हैं और आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है बच्चे की फ्लैट हेड के बारे में, तो आप अपने डॉक्टर से ये ज़रूर डिस्कस कीजिए। एक जनरल टिप मैं आपको ये भी दूंगी कि काफ़ी पेरेंट्स बच्चे के हेड शेप को लेकर परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे का हेड शेप नॉर्मल नहीं लग रहा है मुझे शुरू के दिनों में, तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। बच्चे का हेड शेप काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। इनिशियली जब बच्चा पैदा होता है उसका स्कल बहुत सॉफ्ट होता है एंड जो इनिशियल ईयर्स होते हैं एक बच्चे की लाइफ में उसमें उसकी जो ब्रेन ग्रोथ होती है वो बहुत रैपिड पेस पे हो रही होती है, तो उसका जो स्कल है वो एक्चुअली सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि वो रूम बना रहा होता है फॉर द ब्रेन टू ग्रो एंड डेवलप। जैसे जैसे ब्रेन ग्रो होता है वैसे वैसे जो स्कल है वो भी अपनी शेप को चेंज करता है, इसीलिए आप काफ़ी चेंजेस देखोगे बच्चे के हेड शेप में एज द बेबी स्टार्ट्स टू ग्रो। तो घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, मन में हल्का सा भी डाउट हो तो डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। आई होप आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन हिट करना मत भूलना। प्लीज़ इसे सब न्यू पेरेंट्स के साथ या जो पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज ये एक वरी है जो मुझे लगता है कि हर पेरेंट को ज़रूर होता है कि बच्चे के सिर का कैसे ध्यान रखें। मुझे भी कबीर के सिर को लेकर बहुत वरी होता था। मैं हर विजिट में डॉक्टर से पूछती थी कि मैम इसके ना हेड पर हल्का हल्का मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा शेप खराब हो रहा है, और हर बार मेरी डॉक्टर मुझे कहती थी कि प्लीज़ उसको छोड़ दो, वो अपने आप धीरे 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 जैसे जैसे बढ़ेगा वो ठीक हो जाएगा, और टचवुड हमें आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। तो आप भी ये टिप्स फॉलो करें और अपना पेरेंटहुड जरूर एंजॉय करें, यही हमारा मिशन है एट मॉमकॉम इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लविंग एंड थैंक यू फॉर एनकरेजिंग अस। सी यू ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब लाइक वी ऑलवेज डू। बाय बाय।